हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस नो? आवाज आ रही है? यस नो? यस सर। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? यस नो? यस सर। ठीक है, चलेगा। ओके तो हम लोग कर रहे थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ पेयर मतलब दो दो स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन को कंबाइन करके लिखा है, मतलब है ना। मतलब ऐसे समझ लो कि मैं बोलना चाहता हूँ कि या तो एक्स जीरो है या वाई जीरो है। तो एक तरीका मेरे पास ये है, तो मैं क्या बोलूंगा, आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, या फिर मैं क्या बोलूंगा, एक्स वाई इक्वल टू जीरो। और इसका ये इंटरप्रिटेशन है। तो मैं इतना भी बोल दिया तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, या तो एक्स जीरो या वाई जीरो। तो आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। अब अगर एक्स इक्वल टू जीरो देखोगे तो वो है वाई एक्सिस, और वाई इक्वल टू जीरो देखोगे तो वो है एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस एक लाइन है, वाई एक्सिस भी एक लाइन है, तो दोनों मिलकर क्या हो गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बस किया क्या इन्होंने, दो लाइन को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और उसको फिर हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो कौन है। तो ये चैप्टर अपन तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, तो होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री टू, फिर जनरल इक्वेशन और होमोजेनाइजेशन, और उसी में फैमिली ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। तो होमोजेनियस का हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, एंगल बिटवीन लाइंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर सेकेंड डिग्री होमोजीनियस दे रखी है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स में प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, वो देखते भी समझ में भी आ रहा है, वो देखते हुए भी समझ में आ रहा है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो वो एंगल मॉडुलस, मॉडुलस क्योंकि हम हमेशा एक्यूट एंगल ही निकालते हैं। तो टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन आ रही हैं। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन, अगर लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। पैरेलल और कोइंसिडेंट में फर्क क्या है, पैरेलल और कोइंसिडेंट में फर्क क्या है? पैरेलल में क्या होती है, दोनों का स्लोप सेम रहता है लेकिन पास अलग अलग पॉइंट से करती है। कोइंसिडेंट में क्या होता है, दोनों का स्लोप भी सेम रहता है लेकिन पास सेम पॉइंट से करती है। तो अगर एक ही पॉइंट से दो पैरेलल लाइन पास करेगी तो वो कोइंसिडेंट होंगी। अगर एक ही पॉइंट से दो लाइन पैरेलल लाइन पास करेगी तो वो कोइंसिडेंट होगी, और अगर दो अलग अलग पॉइंट से पैरेलल लाइन पास होगी तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगा। तो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कोइंसिडेंट लाइंस। सेकेंड है परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो डिनोमिनेटर इज जीरो, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो इसको ध्यान में रखो, सीधे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा और खींचते हैं, थोड़ा और खींचते हैं कि लाइंस आर इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। तो लाइंस आर इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस मतलब दोनों सेम एंगल बना रही हैं। तो ये भी थीटा बना रही है, ये भी थीटा, तो दूसरी वाली क्या करेगी, सप्लीमेंट्री बनाएगी पाई माइनस थीटा। तो उस केस में एम वन प्लस एम टू जीरो होगा, और एम वन प्लस एम टू कितना होता है, माइनस टू एच अपॉन बी, तो यानी एच जीरो हो जाएगा। तो यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जीरो हो जाएगा, यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जीरो हो जाएगा। इसका उल्टा भी देख सकते हो, तो अगर एम वन प्लस एम टू जीरो है, इसका ये मतलब है कि लाइंस आर मेकिंग इक्वल एंगल्स विद एक्स एक्सिस। या फिर तुम ऐसा भी देख सकते हो, लाइंस आर मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स। या फिर तुम ऐसा भी देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एंगल बाइसेक्टर्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके एंगल बाइसेक्टर होगी, तो भी इसका मतलब ये होता है। ये तुम्हें ज्यादातर मिलेगा होमोजेनाइजेशन में, क्योंकि होमोजेनाइजेशन में कंडीशन लगानी होती है।
तो वो कभी कभी ऐसे बोल देता है कोऑर्डिनेट एक्सेस आर एंगल बाइसेक्टर्स, कोऑर्डिनेट एक्सेस आर एंगल बाइसेक्टर. नेक्स्ट है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अब देखो कंबाइंड इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस होती है वो दो लाइन रिप्रेजेंट करती है और इन दो लाइन के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे. ये दो लाइन के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, ये दो लाइन के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, ये दो लाइन के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे और वो दोनों एंगल बाइसेक्टर भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुई. तो फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यानी कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी. तो इसलिए अब ये अपनी कॉमन सेंस है कि दोनों बाइसेक्टर भी ओरिजिन से पास हो रही हैं तो वो भी होमोजीनियस सेकंड डिग्री आनी चाहिए, तो वो भी होमोजीनियस सेकंड डिग्री आनी चाहिए. तो कितना आता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं. तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे. तो मुझे लोकस निकालना है इसका y इक्वल टू mx. तो ये एंगल हो गया थीटा, ये है थीटा वन, ये है थीटा टू. तो tan थीटा वन कितना हो जाएगा m1, क्योंकि वो पहली लाइन है. tan थीटा टू कितना हो जाएगा दूसरी लाइन m2. तो अब मुझे थीटा निकालना है थीटा वन के और थीटा टू के टर्म्स में. तो मुझे थीटा निकालना है थीटा वन और थीटा टू के टर्म्स में. तो देखना थोड़ा अच्छे से. तो ये एंगल कितना होगा थीटा टू माइनस थीटा वन. तो ये कितना होगा हाफ थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टू. तो ये कितना होगा, तो ये होगा थीटा वन प्लस थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टू. तो यानी थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू. तो थीटा कितना आ गया थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू. तो ये हो जाएगा टू थीटा इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू. प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसलिए ले रहा हूँ. तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू. टेन क्यों लगाया, क्योंकि एम वन एम टू आ जाएगा. तो ये देखो एम वन प्लस एम टू अपॉन वन माइनस एम वन एम टू. और टेन टू थीटा कितना जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा. और टेन थीटा कौन है, टेन थीटा बाइसेक्टर की बाइसेक्टर का स्लोप है. तो टेन थीटा कितना है एम, और एम कितना है y बाई एक्स, क्योंकि लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स है. तो ये हो जाएगा टू टाइम्स y बाई एक्स अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस टू एच अपॉन बी अपॉन वन प्लस ए बाई बी. तो इसको तमीज से लिखा तो टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन ए प्लस बी. हाँ माइनस कैसे आ गया यार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच होता है ना. अच्छा ये माइनस आएगा ना, हाँ तो ये माइनस आएगा और इधर ये बी माइनस ए आएगा. सही है सही है, ठीक है. टू टू कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका माइनस नीचे ले जाते हैं. तो ये एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन ए माइनस बी. इसको तमीज से लिखा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. अगर इसको तुम एक्सपेंड तमीज से लिखोगे ना तो ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस है और सेकेंड डिग्री होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है. और एक और चीज नोटिस करना, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जीरो आएगा. इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जीरो आएगा. क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसलिए वो आएगा ऐसा. नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स. प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और एक पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, इससे इस पे परपेंडिकुलर जाएगी पी वन डिस्टेंस, इससे एक परपेंडिकुलर जाएगी पी टू डिस्टेंस, तो पी वन इंटू पी टू पूछा है, पी वन इंटू पी टू पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो पी वन इंटू पी टू पूछा है उस टाइम, तो कैसे निकालते हैं? पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो पी वन क्या होगा? एक्स वन वाई वन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी टू कौन होगा? एक्स टू एक्स वन वाई वन से दूसरी लाइन पे डिस्टेंस। अच्छा, पहली लाइन कौन है? एम वन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन कौन है? एम टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो पी वन इंटू पी टू, तो ये आ जाएगा एम वन एक्स वन माइनस वाई वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस एम वन स्क्वायर, और एम टू एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वाई वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस एम टू स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग क्या, अब M1 M2 मैंने डाले तो M1 M2 एलिमिनेट भी होना चाहिए, M1 M2 मैंने इंट्रोड्यूस किया तो वो एलिमिनेट भी होना चाहिए, तो M1 प्लस, क्योंकि गिवन ये है, गिवन ये है ना, तो M1 प्लस M2 को जाना पड़ेगा, तो M1 प्लस M2 हो गया माइनस टू एच बाई बी, और M1 M2 हो जाएगा A बाई बी, तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एम वन एम टू एक्स स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स वन वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन रूट ओवर वन प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर इंटू एम टू स्क्वायर। तो बस इसको मुझे किस में ले जाए, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो इसको मुझे M1 प्लस M2 और M1 M2 में लेके जाना है, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, तो मुझे सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो इन दोनों सिमेट्रिक रिलेशन से मैं दुनिया भर के सिमेट्रिक रिलेशन निकाल सकता हूँ, सिर्फ इन दोनों से, इन दोनों से दुनिया भर के सिमेट्रिक रिलेशन निकाले जा सकते हैं। तो देखो, तो अपने को क्या क्या पता है, तो एक बार लिख देता अच्छे से, एम वन एम टू एक्स स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वन वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वन प्लस, इसको कन्वर्ट करूंगा, एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस टू एम वन एम टू, और ये तो लिखा हुआ ही है, तो एम वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर। अब रखते हैं, तो एम वन एम टू कितना हो जाएगा, ए बाई बी, एम वन प्लस एम टू कितना हो जाएगा, माइनस टू एच बाई बी, डिनोमिनेटर रूट ओवर वन प्लस फोर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए बाई बी प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। टू ए बी माइनस टू ए बी आएगा, ओके, तो पी वन पी टू कितना होगा, रख दो इक्वेशन में, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर नहीं ए एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच वन एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर। ओके, तुम ये फॉर्मूला याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे तो थोड़ा बहुत इजी है, थोड़ा कैसे, पॉइंट को इक्वेशन में रखा, पॉइंट को इक्वेशन में रखा, पर ये डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं ज्यादा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, पर न्यूमरेटर का रख सकते हैं ध्यान में, पॉइंट को इक्वेशन में रखा, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर। और ये सारी थ्योरी हमने डेवलप किस पे की, होमोजेनियस पे, होमोजेनियस कौन सी, जो ओरिजिन से पास हो रही थी। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, क्या फर्क है इसमें,
इसके अंदर भी वो होमोजीनियस टर्म्स आएंगे, लेकिन इसके अंदर एक एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कांस्टेंट टर्म अलग आ जाएगा। अब थोड़े फंडे देता तुमको, इसके अंदर एक्स का टर्म आया मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, इसके अंदर वाई का टर्म आया वर्टिकल शिफ्टिंग, कांस्टेंट टर्म आया नॉट पासिंग थ्रू ओरिजन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजन। तो होगा क्या, जो पहले ओरिजन से पास हो रही थी अब वो कहीं और पे कहीं और इंटरसेक्ट करेगी। ये फर्क है, जनरल है, दोनों ही लाइंस हैं। डेल्टा इक्वल टू जीरो, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आने के बाद में बात कर रहा हूं मैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आने के बाद में बात कर रहा हूं। तो दोनों ही लाइंस हैं, तो फर्क किस चीज का है भाई, शिफ्टिंग का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन ओरिजन है, तो देखो ना इसको बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो डिटरमिनेंट चैप्टर में, और ये कौन हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने वो पेपर एनालिसिस किया था जेई मेन के, ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन है उसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू और थ्री वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। हर जेई मेन टेस्ट पेपर में, मतलब अगर वो 16 टेस्ट थे तो 16 टेस्ट में, मतलब 16 में होगा, अब तो 32 में आएगा, अब तो 32 पेपर में आएगा, लेकिन 2019-20 में तो 16 के 16 पेपर्स में दिख रहा है वो, इतना ज्यादा है वो, आगे शायद 32 पेपर्स में आएगा। ओके एनीवेज, सो ट्रिवियल मतलब पासिंग थ्रू ओरिजन, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉट पासिंग थ्रू ओरिजन। ओके तो एक्स का टर्म देखो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग एंड वाई का टर्म वर्टिकल शिफ्टिंग। अब थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, अगर कभी भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, अगर लाइन को कभी शिफ्ट किया, लाइन को अगर कभी शिफ्ट किया तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा, लाइन को अगर शिफ्ट किया तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। तो हो क्या रहा है, शिफ्टिंग से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो रहा है, और वो ये दोनों कर रहे हैं एक्स और वाई, लेकिन लाइंस के स्लोप चेंज नहीं हो रहे। तो लाइन पहले भी एक्स एक्सिस के साथ थीटा वन और थीटा टू एंगल बना रही थी, अभी भी थीटा वन और थीटा टू एंगल बना रही है, तो यानी स्लोप यहाँ पे भी m1 m2 है, यहाँ पे भी स्लोप m1 m2 है, और स्लोप के टर्म किसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि होमोजीनियस में एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला, होमोजीनियस में एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला और जनरल इक्वेशन में एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो tan theta is equal to 2 root over h square minus ab upon a plus b। तो होमोजीनियस में लाइंस के बीच का एंगल और जनरल में लाइंस के बीच का एंगल सेम रहेगा, लेकिन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर चेंज हो जाएगी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लाइंस ही चेंज हो गई ना, तो उस पर भी तो शिफ्टिंग लगेगी, तो एंगल बाइसेक्टर भी चेंज हो जाएगी, तो उस पर भी शिफ्टिंग लगेगी, तो वो भी अपने को निकालना है। तो उससे पहले एक और चीज सीखनी है अपने को, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, तो कोई सेकेंड डिग्री कर्व दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दे रखा है, अभी तक अपने को पता नहीं ये कौन है,
क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकेंड डिग्री है, सर्कल सेकेंड डिग्री है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला वो भी सेकेंड डिग्री है, लेकिन सेकेंड डिग्री कब किसको रिप्रेजेंट करेगी तो वो पूरा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अपने चैप्टर बढ़ते जाएंगे ये सारे के सारे पांचों के पांचों आइडेंटिफाई होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये पांचों के पांचों आइडेंटिफाई होते जाएंगे। ओके, तो भैया ये पैरास्टेट लाइन है कि नहीं इसका तो डेल्टा चेक करना पड़ेगा। डेल्टा मतलब एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, तो ये चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज ए? ए होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी कॉन्स्टेंट टर्म, एफ हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ वाई, जी हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स, एच हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई। डेल्टा का फॉर्मूला ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इसको लिखेंगे तमीज से। तो माइनस वन प्लस ये 12, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो ये प्लस 5/4 माइनस एक टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 25/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं 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 ये तो स्क्वायर है ना, तो ये तो प्लस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/4, ये प्लस एक दो निकलेगा तो 3/2, 0 आना चाहिए यार। तो देखो 5/4 प्लस 1/4 यानी 6/4, और 6/4 होगा 3/2, और 3/2 प्लस 3/2, अरे बाई टू कहाँ से आ गया यार सर, माइनस 5/2 माइनस 5/4 होगा ना? नहीं ना ये माइनस है ना, कहाँ गलती गया मैं, एक मिनट, इक्वेशन सही है क्या? 2x² प्लस xy-square माइनस x प्लस 5y-6 इज इक्वल टू 0, a 2 है, b माइनस 1 है, c माइनस 6, f 5/2, g माइनस हाफ, h 1/2, ठीक है, a b c माइ प्लस 2 स्क्वायर ना, नहीं नहीं ये प्लस 2fgh था, तो 2fgh था, मैंने इसको माइनस 2fgh रख दिया, तो ये माइनस 5/4 होगा, ठीक है, तो माइनस 5/4 प्लस 1/4 कितना होगा, माइनस 1, और माइनस 25/2 प्लस 3/2 कितना होगा, माइनस 11, तो 12 माइनस 1 माइनस 11 0, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक किया था मेरे को, 2 प्लस 2 एफजीएच लिखना था, तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या पता चल गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी तो तीन केसेस हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कोइंसिडेंट और इमेजिनरी। तो वो कौन बताएगा, वो बताएंगी, वो लाइंस निकाल के कर सकते हैं। तो 2x² प्लस xy-y² माइनस x प्लस 5y-6 इज इक्वल टू 0, तो अब इसमें से लाइन निकालना सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइंस निकालना सीखना है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि डेल एस बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल एस बाय डेल वाई इक्वल टू 0 कर देंगे और हमारी लाइंस आ जाएंगी, तो तुम भोलेपन में जी रहे हो, तो तुम भ्रम में जी रहे हो, है ना, तो वो धोखा एक। तो देखो, तो 2x² प्लस xy-y² - x प्लस 5y-6 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से लाइन निकालना सीखना है, इसमें से लाइन निकालना सीखना है। हाँ कुणाल, वो भी है h² - ab वाला, तो इसमें से मुझे लाइन निकालना सीखना है। तो कैसे सीखेंगे, कभी भी जो होमोजीनियस सेकेंड डिग्री टर्म है वो स्लोप्स के लिए है, यानी y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, तो पहले इसको फैक्टराइज करो, पहले इसको फैक्टराइज करो, तो 2x² प्लस 2xy-xy-y² ये 10th में मैडम ने सिखाया होगा तुमको कि बीच वाले पार्ट को ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं
तो उसका एडिशन आता है, प्रोडक्ट आता है ना, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो। 2x² + 2xy - xy - y², अब इसको करेंगे फैक्टराइज, तो ये आएगी 2x - y (x + y), 2x - y (x + y) आएगा। तो 2x - y (x + y), लेकिन ये जो लाइंस थी ये तो शिफ्टेड लाइंस है, और शिफ्टेड लाइंस पे कांस्टेंट टर्म आ सकता है, तो 2x - y + a और x + y + b = 0। तो बस भगवान मुझे a और b की वैल्यू दे दे। अब a और b की वैल्यू कैसे देंगे, दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन, तो करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ये आना चाहिए, तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -1। इधर कैसे आएगा, जब a और x मल्टीप्लाई होंगे, जब b और 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2b। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 5। कोफिशिएंट ऑफ y जब -y b से मल्टीप्लाई होगी, और जब a y से मल्टीप्लाई होगा, और एक और चीज हो गई, अरे तेरी के ab -6 आ गया, ये कहां से आ गया, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो गई। तो हुआ क्या, हुआ क्या, अननोन है 2 a और b, कंडीशन आ गई 3। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की जो वैल्यू आएगी, और वो तीसरी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगी, अगर पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की जो वैल्यू आएगी और वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब है सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हम जो मान रहे हैं वो सही है, और हम क्या मान रहे हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि अभी इस एग्जांपल में मैंने डेल्टा नहीं ले रहा हूं, ये तो मैंने पिछले वाले में बताया तुम्हें कि डेल्टा से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रही है, पर अब नया क्वेश्चन, मुझे नहीं पता ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और मैंने इसको दो लाइन में तोड़ दिया है, मैंने इसको दो लाइन में तोड़ दिया है। तो अगर ए और बी की जो वैल्यू है तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यानी ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ढूंढने का, ये भी एक तरीका है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ढूंढने का। अब एक और चीज, अगर अगर ए और बी ने तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो अगर ए और बी की वैल्यू ने तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है जो मान रहे वो गलत है, और हमने माना ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो यानी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो ये भी एक मेथड है टू चेक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी एक और मेथड है टू चेक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब तुम्हें जादू दिखाता एक, तो देखो, तो ए और बी को सॉल्व करके, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए की वैल्यू आती है 3 और बी की आती है -2। ये इतना फास्ट मैंने कैसे किया, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, है ना, प्रैक्टिस चाहिए तो आता है इतना फास्ट। तो चेक कर लेता है यार सही है क्या, 3, -2, 3, -4 सही है, 3, +2 सही है, सही है। तो 3, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2 सही है। अब तुम्हें एक जादू दिखाता हूं, तो 2x² + xy - y² - x + 5y - 6 = 0। तो जो बच्चे अगर ये सोच रहे कि del x/del x = 0 और del x/del y = 0 से जो आएगा वो लाइन है, तो ये धोखा है ना। तो देखो एक जादू दिखाता, तो तुम क्या, एक और तरीका है सॉल्व करने का, इसको x की क्वाड्रेटिक बना दो, इसको x की क्वाड्रेटिक बना दो, और x की क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, -b + √(b² - 4ac) /
टू ए, एक्स इजिकल टू माइनस वाई प्लस वन प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, चार दुने आठ, तो प्लस एट वाई स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस कहाँ से आएगा भाई, माइनस आठ पाँच चालीस वाई और प्लस आठ छः अड़तालीस अपॉन फोर, तो एक्स इजिकल टू माइनस वाई प्लस वन प्लस माइनस रूट अपॉन फोर रूट ओवर नाइन वाई स्क्वायर माइनस बयालीस वाई प्लस फोर्टी नाइन, तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन प्लस माइनस रूट ओवर, ये थ्री वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन प्लस माइनस थ्री वाई माइनस सेवन अपॉन फोर। बच्चे सोच रहे होंगे रूट के अंदर स्क्वायर है, मॉड बन के बाहर निकलेगा, तो जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, पर ऑलरेडी देयर इज अ प्लस माइनस, तो एक ही बात है, तो माइनस वाई प्लस वन प्लस थ्री वाई माइनस सेवन बाई फोर, एक लाइन आ जाएगी, माइनस वाई प्लस वन माइनस थ्री वाई प्लस सेवन अपॉन फोर, ये दूसरी लाइन आ जाएगी, तो ये वो दोनों लाइन्स आ गई है। अब वो धोखे पे चलते हैं, तो वो डेल एस बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो और डेल एस बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो क्या देगा, वो जो भी देगा उन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है कि इन दोनों का डेल एस बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो निकालो, डेल एस बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो निकालो और इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने से जो मिलेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सॉल्व करने से जो मिलेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, से जो मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 5 मिनट का ब्रेक। सर सर वो अपना एनलर लाइन का वो आपको प्रूफ मिला क्या? अरे यार मैं देखा नहीं, मैं देखता, मैं हाइलर लाइन का, पर वो थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा, वो कुछ तो आरएमओ वगैरह का टाइप का रहेगा, मैं देखता उसको, है ना। एक बार मेरे को व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, तो फिर मेरे को ध्यान में रहेगा देखने के लिए।
ओके सो नेक्स्ट है, तो अभी हमने जनरल के लिए लाइंस, दो लाइंस निकालना सीख लिया दो मेथड से. हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया. हमने दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया. और हमने सेकंड डिग्री को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे चेक करते हैं तो वो भी देखा. जनरल में थोड़ा सा एक और एक्सटेंड कर लेते हैं. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो जो सेकंड डिग्री है ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0, तो ये कौन है, शिफ्टेड है. कहां पे शिफ्ट हुई है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे. वो कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे. मेथड 1, डेल एस बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल वाई डेल एस बाय डेल वाई इक्वल टू 0. वो क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा. दूसरा मेथड, इसकी दोनों लाइंस निकाल लो, दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसकी दोनों लाइंस निकाल लो, दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो वहां से अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि होमोजीनियस के लिए इक्वेशन क्या होती है. होमोजीनियस के लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, शिफ्टिंग. तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इनटू y माइनस बीटा अपॉन h. तो शिफ्टिंग पर शिफ्टिंग कहां पे करनी है, अल्फा बीटा. और अल्फा बीटा कौन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अल्फा बीटा कहां पे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डेल एस बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0. इसका ये मतलब है कि y को कांस्टेंट मानकर s x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो करो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax, 2hxy में 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, by स्क्वायर b कांस्टेंट y कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, 2gx x का डेरिवेटिव 1, 2fy 2f और y तीनों कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, c कांस्टेंट डेरिवेटिव 0. तो आ गई इक्वेशन, आ गई ax plus hy plus g is equal to 0. ये आ गई पहली इक्वेशन. फिर del s by del y equal to 0. इस केस में x को कांस्टेंट माना जाएगा. इस केस में x को कांस्टेंट माना जाएगा. तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं x को कांस्टेंट मान के. तो ax square कांस्टेंट 0, 2hxy 2hx constant, y का derivative 1, by square 2by, 2gx 0, 2fy 2f, c 0, 2 common आ गया, hx plus by plus f is equal to 0, यह आगे second equation. अगर इन दोनों को तुम solve करते हो, तो you will get alpha beta, a point of intersection. We will get alpha beta, point of intersection. और अगर तुम्हारी periodic table याद हो गई हो तो तुम चाहो तो point of intersection याद रख सकते हो. तो अगर HF minus BG upon AB minus H square, GH minus AF upon AB minus H square. तो ये point of intersection. पर मैं तो suggest करूँगा मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद होगी. वो गाना जरूर याद हो गया होगा, लेकिन एलिमेंट तो अभी भी बाकी ही होंगे, है ना. तो ऐसा है. अब आते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होगी, x माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस, शिफ्टिंग लगेगी ना, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स y upon h. तो ये आएगा. और अल्फा बीटा कौन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अल्फा बीटा कौन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सेकंड डिग्री कर्व. फैमिली कौन होती है, सेम डीएनए. तो सेम कंडीशन, तो फैमिली ऑफ सेकंड डिग्री कर्व. तो हो क्या रहा है, कोई तो सेकंड डिग्री कर्व है और कोई सेकंड डिग्री कर्व इसको इंटरसेक्ट कर रहा है.
तो उसके इंटरसेक्शन से पास होने वाला सेकेंड डिग्री कर्व उसके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सेकेंड डिग्री कर्व उसके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सेकेंड डिग्री कर्व इतने गंदे गंदे नहीं होंगे मैंने कुछ ज्यादा ही बना दिया तो अच्छे से देखते हैं सर्कल्स है ना तो ये S1 इक्वल टू जीरो सेकेंड डिग्री कर्व S2 इक्वल टू जीरो सेकेंड डिग्री कर्व और ये होगी फैमिली और ये सारे सर्कल हो गए उस फैमिली के बच्चे तो यानी फैमिली ऑफ सर्कल्स तो कैसे लिखेंगे S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इक्वल टू जीरो सर्कल का मत सोचो सेकेंड डिग्री का सोचो तो फैमिली ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व क्या होती है S1 प्लस S2 लैम्डा S2 इक्वल टू जीरो ये ऐसे मत सोचो S1 और S2 सर्कल है ऐसे सोचो ये सेकेंड डिग्री कर्व है जब सेकेंड डिग्री कर्व वर्ड बोला जाता है ना जब सेकेंड डिग्री कर्व वर्ड बोला जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला जब सेकेंड डिग्री कर्व बोला जाए ना तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तो ऐसे सोचने का तो कभी भी अगर सेकेंड डिग्री कर्व बोला जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तो वो पांचों चीज सोचने का तो ये भी एक सेकेंड डिग्री है ये भी एक सेकेंड डिग्री है और सेकेंड प्लस सेकेंड सेकेंड डिग्री तो इसका ये मतलब है ये भी कोई पांचों हो सकते हैं ये भी कोई पांचों हो सकते हैं और ये भी कोई पांचों हो सकते हैं अब पैराबोला 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 के इंटरसेक्शन से सर्कल पास कर सकता है ना सर्कल सर्कल के इंटरसेक्शन से पैराबोला पास कर रहा है पैराबोला पैराबोला के इंटरसेक्शन से एलिप्स पास कर रहा है तो ऐसे कुछ भी करा सकते हैं ओके सेकेंड डिग्री का ठीक है तो वही फंडा सेम फंडा फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज अ यूनिक मेंबर ऑफ द फैमिली तो यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज अ यूनिक मेंबर ऑफ द family so there will be a unique value of lambda there will be a unique second degree curve to lambda ki value nikalni hai equation condition ab jaise kabhi kabhi kya bolega jaise usne bola second degree plus second degree ke intersection se pass hone wali pair of straight line second degree ke intersection se pass hone wali pair of straight line to delta equal to zero kar do to wo lambda de dega या फिर कभी बोलेगा सेकेंड डिग्री के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो तो ऐसे कंडीशन आएगी बस इतना ही अपने में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल वो ये नहीं होता पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पागल हो जाएंगे नहीं तो और वो कॉनिक सेक्शन में से क्वेश्चन आएगा भी आएगा नहीं आएगा तो नहीं आएगा एक ज्यादा एक दो बस नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमोजेनाइजेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये बच्चों को फुल पोर्शन में स्ट्राइक भी नहीं करता जिनको स्ट्राइक करता समझ प्रैक्टिस बहुत अच्छी है जिसको होमोजेनाइजेशन स्ट्राइक कर रहा है मतलब उसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो क्या मतलब है ये होमोजेनाइजेशन का तो देखो ये एक प्रोसेस है होमोजेनाइज करने की होमोजेनाइज मतलब सेम पावर बनाना क्या बनाना सेम पावर तो होमोजेनाइज का मतलब है सेम पावर बनाना तो होमोजेनाइज का मतलब है कि सेम पावर बनाना तो कर क्यों रहे ऐसा तो देखो एक सेकेंड डिग्री कर्व दे रखा है एक लाइन दे रखी है एक सेकेंड डिग्री कर्व दे रखी है जनरल और एक लाइन दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो
उसके इंटरसेक्शन, उसके इंटरसेक्शन और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लें. उसके इंटरसेक्शन और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की कंबाइंड इक्वेशन निकाल लें. तो थोड़ा उल्टा सोचो, OA और OB की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी, अब OA और OB कौन है? वेयर आर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो OA और OB पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होनी चाहिए. इसलिए इसको होमोजेनाइज कर, होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं. तो जैसे ही होमोजेनाइज करेंगे ना, OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी. तो आप समझते हैं कि होमोजेनाइजेशन कैसे करते हैं, होमोजेनाइजेशन कैसे करते हैं. तो देखो, सेकंड डिग्री कर्व है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस. तो होमोजेनाइजेशन का मतलब है इसकी डिग्री 2 ठीक है, इसकी डिग्री 2 ठीक है, इसकी डिग्री 2 ये भी ठीक है, पर 2gx इसकी एक ही 1 डिग्री है, तो इसमें एक डिग्री कम पड़ गई. तो एक डिग्री कम पड़ गई तो 1 से मल्टीप्लाई, एक डिग्री कम पड़ गई तो 1 से मल्टीप्लाई. 2fy इसकी डिग्री 1 है क्योंकि y y की पावर 1 है ना, इसलिए. और इसमें एक डिग्री कम पड़ गई तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई. प्लस c इसकी डिग्री 0 है तो इसमें 2 कम पड़ गई तो 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई. इसमें 2 डिग्री कम पड़ गई तो 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई. तो इसमें 2 डिग्री कम पड़ गई तो 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई. अब ये 1 कहां से आएगा? तो 1 कैसे निकालते हैं? ये जो lx plus my plus n equal to 0 है, उसमें पहले xy का टर्म एक तरफ रखो और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, xy का टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, फिर कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा. तो ये 1 की वैल्यू है. बच्चे कई बार गलती करते हैं, 2x plus y मान लो plus 5 is equal to 0 लिखा है, तो 2x plus y plus 6 is equal to 1, तो ये 1 की वैल्यू हो गई. नहीं, ये 6 फिर से रह गया ना कांस्टेंट, तो सिर्फ xy का टर्म रहना चाहिए. तो xy का टर्म रहना चाहिए, तो इसका कैसा आएगा? 2x plus y upon minus 5 is equal to 1. तो एक तरफ xy रहना चाहिए, फिर कांस्टेंट से डिवाइड कर दो. अब इसको पुट करो, तो ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx, 1 की वैल्यू पुट कर दो, 1 की वैल्यू वैल्यू पुट कर दो, 1 की वैल्यू पुट कर दो. ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ? तो देखो, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगी डिग्री 2, जब ये x और y से मल्टीप्लाई होगा डिग्री 2, जब ये y x से मल्टीप्लाई होगा डिग्री 2, जब ये y और y से मल्टीप्लाई होगा डिग्री 2, जब ये स्क्वायर एक्सपेंड होगी तो x स्क्वायर y स्क्वायर x y का टर्म आएगा डिग्री 2. यानी ये होमोजीनियस डिग्री 2 है. इसका मतलब है ये होमोजीनियस डिग्री 2 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिग्री 2 है, और होमोजीनियस डिग्री 2 ओरिजिन से पास होती है, और होमोजीनियस डिग्री 2 ओरिजिन से पास होती है. तो ये जो प्रोसेस किया, ये जो प्रोसेस की, इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन. ये जो प्रोसेस किया इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन, इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन. फिर ये जो आया, ये जो आया वो है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओबी, या फिर जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओबी. तो जो प्रोसेस की अपन ने, 1 की वैल्यू निकाली, जिसमें जितने डिग्री कम थी उतने से मल्टीप्लाई किया, उसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन. और जो रिजल्ट आया वो है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओबी, वो है जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओबी. अब नेक्स्ट आता है फुल पोर्शन में स्ट्राइक कैसे करेगा, फुल पोर्शन में स्ट्राइक कैसे करेगा. तो देखो, कभी भी क्वेश्चन में सेकेंड डिग्री कर्व, लाइन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन की बात हुई है होमोजेनाइजेशन. सेकेंड डिग्री कर्व लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन को जॉइन होमोजेनाइजेशन. जैसे ही तुम्हें ये स्ट्राइक करेगा होमोजेनाइजेशन क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन क्रैक है ना. चैप्टर इज कंप्लीट. नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल. मजे आ रहे ना? आते रहने चाहिए भाई. सर्कल की सर आज सर्कल 2 मिनट का ब्रेक एंड देन सर्कल. अरे बाप रे.
ओके सो नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल. तो देखो सर्कल तो यहाँ से कैसे ना कुछ हद तक कॉनिक सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, पर सर्कल अपन कॉनिक सेक्शन में नहीं पढ़ते. क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इन्फिनिटी पे है, तो वो इन्फिनिटी मिलता नहीं तो अपन इसको नहीं पढ़ते. तो हम कॉनिक सेक्शन में क्या है ना, जिसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स डिफाइंड है, तो वही सब अपन पढ़ते हैं. तो खैर उतना लोड भी नहीं लेने का, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 100% क्वेश्चन रहेगा इस पर. सर्कल का क्वेश्चन रहता ही है. अब सर्कल में खास बात यह है, बच्चे गलती क्या करते हैं, सर्कल चैप्टर पढ़ लेते हैं तो बच्चों से थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो जाती है कि सर्कल जो है ना, तो बच्चे सर्कल का प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है सर्कल का इक्वेशन. तो बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन ले लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पर कभी कभी ऐसा भी होता है सर्कल के क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी सॉल्व होते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वेशन पे जाके ही क्वेश्चन सॉल्व हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाए, लाइन निकाली जाए, सर्कल की इक्वेशन निकाली जाए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो. क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी हो सकता है. उसका रीजन है क्योंकि सर्कल में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे डायमीटर सर्कल के सेंटर से पास करती है, डायमीटर सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करती है, कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, फिर सर्कमफेरेंस पे अगर थीटा कर रही है तो सेंटर पे डबल एंगल सबटेंड करेगी, लाइन और सर्कल का रेडियस परपेंडिकुलर होता है, या टेंजेंट और सर्कल की रेडियस परपेंडिकुलर रहती है, या फिर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है वो सर्कल के सेंटर से पास होती है. तो सर्कल में कई प्रॉपर्टीज हैं. फिर सर्कल में प्रॉपर्टीज है वो टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, दूसरा टेंजेंट का एंगल बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से पास होता है. टेंजेंट का एंगल बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से पास होता है. आज फ्राइडे है ना? आज फ्राइडे है तो फ्राइडे है ना? ओके तो सर्कल्स, तो हम लोग कैसे करेंगे ना, ये चैप्टर जो पढ़ते हैं हम लोग, तो सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का सेंटर, रेडियस, फिर सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल का सेंटर, रेडियस, सर्कल की इक्वेशन, सर्कल एक सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री कर्व सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, फिर लाइन है ना सर्कल, फिर पॉइंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, फिर उसके बाद में डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, फिर टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, फिर उसके बाद में कॉमन टेंजेंट्स, फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फिर लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फिर एंगल बिटवीन सर्कल्स, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स, उसके अंदर चार टाइप्स, फिर रेडिकल एक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेडिकल एक्सेस, फिर पोल, पोलार, कॉन्जुगेट पॉइंट्स, लिमिटिंग पॉइंट्स, है ना? तो ये तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट. It is a path of a point. तो वो path of a point such that locus क्या होता है? Under condition होता है. तो it is a path of a point such that the distance from the center is constant. Distance from the center is constant. एक मिनट में attendance ले लेता. What is this?
तो सर्कल कैसे ऐसा है ना, ओके तो सर्कल क्या है, सर्कल भी एक पाथ है, तो ये जो ये बनता है ना, ये सर्कल है, तो ये जो बनता है ना, ये सर्कल है, तो होता क्या है कि इस पे जो लाए कर रहे पॉइंट है वो एक वेरिएबल पॉइंट का पाथ है, सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट. The distance from the fixed point is constant. The fixed point is known as a center, and the fixed distance is known as a, the constant is known as a radius. The fixed point is known as a center, and the constant is radius. तो ठीक है, तो locus निकालो. तो ठीक है, अगर center alpha को हमें beta दिया है, तो locus हो जाएगा x minus alpha का square y minus beta का square is equal to radius का square. अगर इसको expand करोगे तो जैसे कभी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप. कभी भी जब लाइन की इक्वेशन चाहिए तो दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप. उसी तरह से अगर कभी भी सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो सेंटर रेडियस, कभी भी सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो सेंटर रेडियस. अगर इसको एक्सपेंड किया तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, और इट्स अ सेकंड डिग्री कर्व. तो एक और चीज पता चली अभी कि यार सर्कल भी सेकंड डिग्री कर्व है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री कर्व निकला, सर्कल भी सेकंड डिग्री कर्व निकला, फिर उल्टा, तो सर्कल सेकंड डिग्री कर्व, सेकंड डिग्री कर्व सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड डिग्री कर्व सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा. अच्छा थोड़े और फंडे देता तुमको, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, पर एक्स वाई का टर्म नहीं है. तो ऐसे ही फंडे देता, एक्स वाई का टर्म क्यों नहीं है, एक्स वाई का टर्म क्या होता है ना, ये ऑब्लिकनेस बताता है. तो अगर मान लो कोई कर्व है, अगर उसको रोटेट करोगे, अगर उसको रोटेट करोगे, ये तो शक्तिमान बन गया, अगर इसको रोटेट करेंगे तो एक्स वाई का कोफिशियंट चेंज होता रहेगा, एक्स वाई का कोफिशियंट चेंज होता रहेगा. लेकिन सर्कल को रोटेट किया तो क्या फर्क पड़ेगा, सर्कल को रोटेट करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है. तो एक्चुअली सर्कल को रोटेट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स वाई का टर्म नहीं है. और एक और चीज, और एक चीज, इसमें एक्स का टर्म है हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, इसमें वाई का टर्म है वर्टिकल शिफ्टिंग, कांस्टेंट टर्म है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो यहां पता चला कि सर्कल भी सेकंड डिग्री कर्व है, सर्कल भी सेकंड डिग्री कर्व है. तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन का क्या मतलब था, जिसको देख के बोल सको ये किसको रिप्रेजेंट करे. जैसे फॉर एग्जाम्पल ax plus by plus c equal to 0, lie. ax plus by plus c equal to 0 is a lie. तो उसी तरह से सर्किल के लिए x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. तो अगर ये सर्किल की इक्वेशन है तो सेंटर minus g comma minus half, यानी negative half of the coefficient of x, negative half of the coefficient of x, negative half of the coefficient of y, negative half of the coefficient of x, negative half of the coefficient of y, negative half of the coefficient of x, or negative half of the coefficient of y, और वो रेडियस
रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, बट मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू वन. ये वन बना लेना, ये बहुत खतरनाक है. ये कभी भी सर्कल के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो, कभी भी अगर सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन. सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन. इसके रीजन है, पहला, सर्कल में जब सेंटर रेडियस निकालते हैं कोफिशिएंट वन लगता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो भी कोफिशिएंट वन लगता है, रेडिकल एक्सिस निकालते हैं तो भी कोफिशिएंट वन लगता है, नहीं तो अननेसेसरी मिस्टेक हो जाएगा. नेक्स्ट, तो ये तो हो गया कि जब सर्कल का इक्वेशन दिया है तो सेंटर रेडियस क्या है. तो पिछले वाले में क्या किया, सेंटर रेडियस दिया तो इक्वेशन क्या होगी, पिछले वाले में क्या किया, सेंटर रेडियस दिया तो इक्वेशन क्या होगी, अगले वाले में क्या किया, इक्वेशन दी है सेंटर रेडियस निकालो, इक्वेशन दी है सेंटर रेडियस निकालो. फिर नेक्स्ट, सेकेंड डिग्री कर्व सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड डिग्री कर्व सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, आना चाहिए. तो सेकेंड डिग्री कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो कब रिप्रेजेंट करेगा, ए इक्वल टू बी एंड एच इज इक्वल टू जीरो, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. अच्छा, ये वन होना जरूरी नहीं है, वन मैं बनाता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. मैं वन इसलिए बनाता हूं क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, पर वन होना कंपलसरी नहीं है सर्कल होने के लिए. कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करने के लिए वन होना कंपलसरी है, पर सर्कल होने के लिए उसको वन होना कंपलसरी नहीं है. नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो. अच्छा, एक और चीज है रियल सर्कल का, तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रियल सर्किल होने के लिए. तो ये एक और कंडीशन है और वो रेडियस की वजह से आई है. तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी, ध्यान देना इस पे, ए सी क्योंकि बच्चों के दिमाग में बैठा होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वो कब, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए लिया है ना मैंने, तो इसलिए ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी, तो ये आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी. नेक्स्ट, ये चैप्टर हम लोग दो सर्कल्स पे थ्योरी डेवलप करते हैं, एक है स्टैंडर्ड और एक है जनरल. एक है स्टैंडर्ड और एक है जनरल. तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, सेंटर ओरिजिन होती है और रेडियस ए, और जनरल में क्या होता है, सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस ए. तो स्टैंडर्ड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जनरल हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c equal to 0. x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. तो हम जो थ्योरी डेवलप करते हैं ना, वो स्टैंडर्ड और जनरल दोनों के लिए करते हैं. तो तुम्हें है ना ध्यान रखना होगा तुम फॉर्मूला किसका यूज कर रहे हो. और हम स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा करते हैं, स्टैंडर्ड के लिए हम लोग ज्यादा करते हैं और जनरल के लिए फॉर्मूले कम करते हैं, पर कैसे करते हैं वो पता करते हैं अपन. तो हम जो फॉर्मूलेज लिखते हैं ना वो स्टैंडर्ड के केस में ज्यादा है. तो तुम्हें ये ध्यान में रखना होगा कि तुम फॉर्मूला किसका यूज कर रहे हो. जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी,
सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर, तो वो किसकी है, स्टैंडर्ड सर्किल की, वो जनरल सर्किल की नहीं है। तो तुम्हें जो फॉर्मूले यूज कर रहे हो ना उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हो क्या। फिर एक और क्वेश्चन आएगा, तो सर फिर जनरल के लिए क्या करेंगे हम, शिफ्टिंग, तो जनरल के लिए क्या करेंगे, शिफ्टिंग। तो स्टैंडर्ड के लिए जो फॉर्मूला होगा उस स्टैंडर्ड के फॉर्मूले में शिफ्टिंग कर दो तो जनरल के लिए आ जाएगा, उसमें शिफ्टिंग कर दो तो वो जनरल के लिए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पर्टिकुलर स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस ए है, तो सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये अपन ट्रीट करते हैं स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड और दोनों ही। सेकंड केस है कि अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, सर्कल अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो क्या होगा, तो अल्फा कॉमा बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर जो आएगी वो आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे ना तो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगा, जब एक्सटेंड करेंगे ना तो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगा। थर्ड है व्हेन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, तो ऐसा होगा, तो जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या खास होगा, तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही रेडियस होगी, तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो सर्कल का जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही उसकी रेडियस होगी, और सर्कल टचेज वाई एक्सिस, तो क्या खास होगा कि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ही रेडियस होगी, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ही रेडियस होगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस होगा। नेक्स्ट, सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है और ओरिजिन से पास कर रहा है, सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो आएगा और रेडियस, तो इक्वेशन आएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड करके देखोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स इक्वल टू जीरो। तो नोटिस करना, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल, एक्स का टर्म हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, वाई का टर्म नहीं है यानी सेंटर एक्स एक्सिस पर है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है ओरिजिन से पास हो रहा है। नेक्स्ट, सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो जीरो का बीटा, रेडियस हो जाएगी बीटा, तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बीटा वाई इक्वल टू जीरो, माइनस टू बीटा वाई इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा यहाँ पे, ये सर्कल शिफ्टिंग, वर्टिकल शिफ्टिंग, क्योंकि वाई का टर्म आया ना तो वर्टिकल शिफ्टिंग, एक्स का टर्म नहीं है यानी सेंटर एक्स एक्सिस पर है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है ओरिजिन से पास कर रहा है। नेक्स्ट, अगर तुम्हें कभी प्रूफ करना है कि फोर पॉइंट सर कौन सा क्लिक, उससे पहले एक और चीज, अगर तुम्हें कभी निकालना है तीन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन, तो कोई तीन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू ए वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको ए से पास करा दो एक इक्वेशन, इसको बी से पास करा दो दूसरी इक्वेशन, इसको सी से पास करा दो तीसरी इक्वेशन, तीनों को सॉल्व कर लो तो जी एफ और सी का वैल्यू आ जाएगा, वही तुम्हें देगा सर्कल का इक्वेशन, वही देगा तुम्हें सर्कल का इक्वेशन। अच्छा, कभी तुम्हें अगर प्रूफ करना है कि फोर पॉइंट्स आर कौन सा क्लिक, फोर पॉइंट्स आर कौन सा क्लिक, तो तीन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालो जो अभी अभी अपन ने किया, तीन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालो जो अभी 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 किया। कैसे, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए से पास कराया एक इक्वेशन, बी से पास कराया दूसरी इक्वेशन, सी से पास कराया तीसरी इक्वेशन, फिर जी एफ सी का वैल्यू आ जाएगा तो सर्कल आ जाएगी। अगर डी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डी अगर सेटिस्फाइज द इक्वेशन, डी अगर सेटिस्फाइज द इक्वेशन, डी अगर सेटिस्फाइज द इक्वेशन,
डी अगर सेटिस्फाई द इक्वेशन तो इसका मतलब कौन साइक्लिक, डी अगर सेटिस्फाई द इक्वेशन देन कौन साइक्लिक। नेक्स्ट है डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल, डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल में क्या होता है, डायमेट्रिक एंड्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट सबटेंड्स 90 डिग्री एट P, तो इसका लोकस निकालेंगे तो AP इज परपेंडिकुलर टू BP, तो एम स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP इक्वल टू -1, तो ये y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इज इक्वल टू -1। एक्चुअली इसको तमीज से लिखोगे तो सर्कल की इक्वेशन आएगी x minus x1, x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0, तो x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0, तो ये diametric form of a circle है, important है ये, important है, ठीक है। Next ये क्या कह रहा है देवेंद्र, क्या कह रहा है सर, अगर हमें एक family of circle दी है जो हो जिसका center x comma 0 है एंड x माइनस 2 से 2 के बीच में, रेडियस इज 1 टू इंफिनिटी, फैमिली का सर्कल बाउंडेड एरिया, तो वही फिर शेडेड पार्ट पता करना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है सर्कल, सर्कल कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, फिर कौन सा रीजन उसका वो शेडेड रीजन आ रहा है, और फिर एरिया निकालेंगे। रेडियस बस मनी हर एक सर्कल का, हाँ तो ऐसा होगा ना, वो फिर शिफ्ट हो रहा होगा, तो शिफ्ट होता और जा रहा होगा तो कुछ शेडेड बना रहा, बीच में तो बहुत सारे मतलब ये आएंगे ना, क्योंकि सेंटर तो उसका वेरी करेगा। एक काम करो तुम, है ना, जो भी प्रिंटेड क्वेश्चन है ना वो ग्रुप पे भेज दो सर, या मेरे को पर्सनली भेज दो। हां डाला है सर, तो मेरे को एक बार पर्सनली भेज दो, मैं देख लेता, अभी लेक्चर है मेरा एक और, है ना, ठीक है। ओके अरे यार क्या हो गया इसको, ओके फाइल शेयर कर देता मैं, शिट अरे यार, ओके सर्कल वाली फाइल डिलीट हो गई है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की मैंने शेयर कर दिया है ना, ठीक है, बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वीक में अपना ट्यूसडे को सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में कोशिश करते हैं कि कोनिक खत्म हो जाए और कैलकुलस स्टार्ट हो जाए, है ना, बाकी तो अभी टाइम है बहुत तुम्हारे पास में। चलो थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।